मैं आपको बताऊंगी प्लेन राइस कैसे बनाते हैं। मैंने 2 गिलास चावल लिया है, 2 गिलास राइस है, ये 1 गिलास है, 2 गिलास राइस लिया है मैंने। अभी मैं इसको वॉश करूंगी। मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है 3 पानी में। अभी मैंने 2 गिलास चावल लिया है तो मैं 4 गिलास पानी डालूंगी। जब भी हम खाना बनाते हैं तो पानी को डबल करना है। अभी मैं सॉल्ट डालूंगी, ये नमक है, 2 टीस्पून नमक डालूंगी। मैंने 2 गिलास चावल लिया है तो 2 चम्मच नमक डालूं। अभी इसको मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट के बाद इसको हम पकाएंगे, क्योंकि चावल अच्छी तरह भीगेगा तो नरम भी पकेगा और खुला भी पकेगा। अभी 10 मिनट हो गए हैं, मैं चावल को स्टोव पे रखती हूँ हाई फ्लेम पे। ऐसे ही पकाना है, 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। अभी 5 मिनट हो गए हैं, अब ये पक रहा है, इसको थोड़ा सा हिलाना है। इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ूंगी और 5 मिनट के लिए। अभी चावल बहुत सख्त है, अभी ऐसे ही पक जाए। अभी 5 मिनट के लिए मैं इसको 2 फ्लेम पे पकाती हूँ। 5 to 7 मिनट के अंदर खाना पक के रेडी हो जाएगा। अभी स्लो फ्लेम पे पक रहा है खाना। अभी ये लो फ्लेम पे पक रहा है, अभी इसमें थोड़ा पानी है, ये सख्त है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। अभी इसको भाई जो छोटा वाला बर्नर है उस पर रख दूंगी। अभी मैं इसको छोटे वाले बर्नर पे शिफ्ट की हूँ। अभी इसको लो फ्लेम पे छोटे वाले बर्नर पे 5 to 7 मिनट पकाऊंगी, खाना पककर रेडी हो जाएगा। अभी ये खाने में अच्छी तरह भाप आ रही है और ये खाना दम हो गया है, पककर रेडी है। ये राइस अच्छे से रेडी हो गया है, थोड़ा भी कच्चा नहीं है, पूरे का पूरा पक गया है, खुला भी पका है, आप देख सकते हैं। आप 5 मिनट 8 मिनट रख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी आपका चावल कच्चा है तो फिर आप 2 मिनट रख सकते हैं दम होने के लिए। अब ये अच्छे से दम हो गया है, खाने के लिए रेडी है ये राइस। स्टोव को ऑफ कर दीजिए।